थाना इंचार्ज को भी चाहते जो अपराधी संरक्षण करे, क्योंकि मैं अभी एक और मामले में गया, अभी आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ कोई जिम्मेदार है तो नहीं, कौन सा यही है, यही नहीं, ये इनसे जुड़ा हुआ, इनकी जिन पे तो जांच उसकी है, एक और मामला है बसाना, इसी चौकी उसमें जो अपराधी वो छुटके गया है रिलीज होके जेल से, वो जाके धमकी दे रहा है पीड़ित परिवार घर, और आपकी सुरक्षा है ना, कमाल की बात, जांच इन्हीं के पास है। अगर धमकी दे रहा है, धमकी की कोई चीजें तो आएगी ना, कोई ऐसी धमकी है, प्राइम कैसे है, आप साक्ष्य तो कलेक्ट करेंगे, प्राइम होगी ना, बिल्कुल होगी, कोई भी क्या चीज, कब, व्हेन, जब वो नुकसान पहुंचा देगा पीड़ित परिवार किसी चीज को, वो बच्ची बोल रही है, वो बच्ची बोल रही है, क्यों बच्ची बोल रही है, तो कब दी, किसने दी, कैसे दी, नाम सारी चीजें बता देता हूँ, डायरी नहीं, नहीं। तो नाम वो यही सीओ साहब ही, सर हमने एक लिखित रिपोर्ट अब्बर सिंह जो जाके धमकी दे रहा है, कह रहा है कि मैं देख लूंगा, ये अभी छुट के आया है, और जो कह रहा है कि ऐसे बकरे की तरह काट दूं, उसके उकाता काट देगा वो, ना सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, आपकी सिक्योरिटी सर वहाँ पर थ्रेड किया जा रहा है, थ्रेटन हो रहा है विटनेस को, जो अक्यूज है, जो बेल आउट होके आया है, उसने विक्टिम को जा करके, उनके फैमिली को जा करके थ्रेट किया, बकरे की तरह काट दिया, पुलिस राज है, उससे समग्र बात, कब ये घटना हुई, कब उसने धमकी दी, क्या दी, वो सारी चीजें उनसे पूछी जाएंगी ना, उनसे विस्तृत बात की जाएगी, उसके बिंदु पर उनसे जानकारी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो कोई कार्रवाई नहीं है, एप्लीकेशन आई, उससे उठा के पूछा ही नहीं अब तक, इतनी देर ना हो जाएगी, जब उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, सिक्योरिटी वहाँ पुलिस इसीलिए तो दी गई है, हमें एक चीज बताएगा, इसीलिए अगर अपराधी इतने दिन बाहर रहेंगे, धमकी दे रहे थे स्टेट, उसमें उसकी बेल कैलकुलेशन के लिए क्यों नहीं जाती है, अगर धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, बेल की जो ग्राउंड होती है वो ये होती है कि गवाह को तोड़ेगा, अगर वो ऐसी एविडेंस आ रही है, आप उसके जाकर के बयान लेते हैं, तो आप 439(2) में कैंसिलेशन मूव करिए, स्टेट आपके समक्ष कह रहे हैं ना चीजें, हम लोग जाके इसीलिए तो बात करेंगे, थोड़ा संवेदनशील बनिए, थोड़ा संवेदनशीलता पूरी है, एक चीज आप विश्वास रखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है, नहीं आप नहीं, पहले तो न्याय के लिए तो संवेदन का मानक आपके लिए भिन्न हो सकता है, देखिए सर, लेकिन हम तो न्याय के लिए आपके पास आएंगे, वो न्याय के लिए आपके पास नहीं आते, क्यों नहीं आएंगे, नहीं आते उनको, क्या उनको न्याय थोड़ा, उनको अपराध करना, अरे भाई हम आएंगे न्याय मांगने, देखिए ना, हम दिल्ली से चल के न्याय मांगने आपके पास आए, न्याय कर दीजिए, उन्हें सुरक्षा दे दीजिए, उनका ध्यान रखिएगा, अपराधी को खुला मत छोड़ेगा, एक चीज सोचिए, अच्छा मेरी एक बात सुनिए, अगर